तो हेलो दोस्तों, आज हम ले चलते हैं आप लोग के छोटे बच्चे के लिए ओशा टॉपिक, जो छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस टॉपिक पर आज पूरी हम बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर वो बच्चे नहीं समझते हैं तो आगे चल के उनकी कठिनाइयाँ हो जाएगी। तो आप देखिए, आज छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ पढ़ाने जा रहा है। और बात होता है कि छोटे बच्चे के कोई हिसाब किताब करने में बहुत दिक्कत होती है। मान लीजिए कि जैसे में होता है कि किसी को पैसे 200 रुपया दे दिए और उनसे लेना है 2 दिन बाद, तो कितने लेंगे कितने नहीं लेंगे, तो उसी टाइप का आज हम छोटे बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए आज पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज छोटे बच्चे के उसी टाइप का पढ़ाने के लिए। तो देखिए, ये आपको हम बता दें कि पढ़ाने के लिए जो आज हम चल रहे हैं उसके लिए देखिए एक कैसा, पहले जोड़ पढ़ा देते हैं, उसके बाद ये हो गया आपका 12। 12 प्लस 2 ये हो गया आपका 12 प्लस 2। तो मान लीजिए इसका आंसर कितना आएगा, ये भी जाननी जरूरी है। तो इसका आंसर कितना आएगा, अगर छोटा बच्चा जानता है तो अपना बताए, और नहीं तो हम बता रहे हैं तो इसको बता देते हैं। तो ये हो गया आपका 12 और 2, 12 2 14, ये हो गया आपका 14। ऐसे नहीं समझ में आया, ये हो गया 14, 14 हो गया। तो ऐसे अगर बच्चे बात समझ जाए तो समझिए कि उनका कोई पैसा लेन देन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी पर आज हम पूरी तरह के चर्चा करेंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे और पूरी समझाएंगे। तो आज की यही पढ़ाई के जरिया बनाएंगे कि हिसाब किताब करते हैं कैसे हैं। तो इसके लिए देखिए, हम बता दिए इसको 12 लिख दिए और +2 लिख दिए, ये 12, 12 और +2 कितना हो गया, ये 14। 40 भी बोल सकते हैं। तो ऐसे अगर समझ जाएंगे तो बहुत बच्चे के लिए सुविधा रहेगा। अगर मान लीजिए इसको हम कर दिए 8 प्लस, यहाँ हो गया 4, तो यहाँ पर क्या होगा ये समझिए। तो ए हो गया 8 और +4, यहाँ पर कितना आएगा, तो देखिए 8 प्लस 4, तो 8 जोड़ देना है, तो 8 और 4 12 हो गया। इसका 12 आंसर हो गया, ये 12 हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग को बताना जरूरी है क्योंकि आगे चल के ये समस्या ना हो। तो चलिए हम आप लोग के आज यही पढ़ाने जा रहे हैं। तो मान लीजिए
जूट को ऐसे बनाते हैं, 12 प्लस 2 बराबर 14, ये हो गया। और 8 प्लस 4 बराबर 12, ये हो गया। तो समझ लीजिए कि इसको कैसे बनाते हैं, इसको ऐसे जोड़ते हैं। तो ये हो गया 12 प्लस 2 बराबर 14 और 8 प्लस 4 बराबर 12, ये हो गया। तो ऐसे आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं, ये तो जोड़ हो गया, ये आपका जोड़ हो गया। और पैसे लेते हैं, देते हैं, अगर कुछ लेना है कुछ देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसमें करना पड़ता है कि उसमें घटाना भी पड़ता है, तो वो भी बता दे। मान लीजिए ये हो गया आपका 14, ये हो गया माइनस का 6, यहां पर हो गया आपका 7, ये हो गया 14 माइनस 7, ये आप देख लिए 14 माइनस 7, आप समझ लिए। तो इसको घटाएंगे, 14 में 7 जाएगा, यहां पर 7 बचेगा, यहां पर 7 बचेगा, ये हो गया। और मान लीजिए कि ये हो गया 10 माइनस आपका, मान लीजिए हो गया 4, तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर, 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो समझिए 10 में से अगर 4 घटाते हैं तो उंगली पर भी गिन सकते हैं। अगर छोटा बच्चा नहीं समझता है तो अपना स्लेट पे कॉपी पे पाई पार कर 4 को काट देगा, और 10 में से 4 काटेगा तो कितना बचेगा, 6, ये हो गया 6 बचेगा, ये समझ लिए। और इसके बाद हम बता दें कि ये जोड़ हो गया, ये दो जोड़ हो गया, ये घटा हो गया, और इसमें एक और पढ़ना पड़ेगा भाई, इसमें एक और चीज पढ़िएगा जिसको बोलते हैं गुना। तो गुना भी बता दें कैसे गुना बनाते हैं। मान लीजिए यहां पर हो गया 15, और गुना का चिन्ह ऐसा होता है, 15 हो गया, अब यहां पर हो गया 10, मान लीजिए यहां हो गया 15, यहां पर हो गया आपका 5, ये हो गया। तो अगर 15 × 5 इसको गुना करेंगे, कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे कि छोटे बच्चे को दो तरह को समझाना पड़ता है। ये ना तो बोलिए कि 15 में 5 से गुना करें, अगर 15 का 5 में पढ़े और इसका पारा इतना बन पड़े तो आ जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे,
यहाँ से लेकर चलते हैं, जोड़ हो गया, ये हो गया घटा, अब ये गया गुना, तो ये हो गया 15 में 5 से गुना करना है, तो ये हो गया आपका 15 25 75। ये हो गया आपका गुना, और एक और बता दे कि मान लीजिए यहाँ हो गया 6 × 6, तो इसको गुना कैसे करेंगे, तो इसका भी गुना वैसा ही करेंगे जैसे ये करेंगे, 15 के 12 5 कर पड़ो, तब 15 के 15 15 30 15 45 15 64 15 25 75। आप लोग समझ लिए, इससे लिए यहाँ पर 75 लिखा गया है। फिर ऐसे इसको बनाएंगे, 4 के 12 6 वाली पढ़ना है या 6 के 12 4 वाला पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे बाबू? तो ये सुन लो, ये पारा इसके जितना अंक है उस उतने बार पढ़ो, तो हम बता देते हैं, तो पढ़िए, 6 × 6 = 24। छोटे बच्चे को भी अगर नहीं समझ में आता है तो थोड़ा ध्यान से भी समझाना पड़ता है। ये 6 × 6 = 24 कहिए, ये 4 × 6 = 24 कहिए, दोनों बराबर होता है, तो इसका आंसर आएगा आपका 24। तो ये समझ लिया अपना, ये हो गया आपका जोड़, ये हो गया आपका जोड़, ये हो गया जोड़, ये हो गया जोड़, ये हो गया घटा, ये भी हो गया घटा, और ये हो गया गुना, ये हो गया गुना। तो जोड़ कैसे बनता है ये आप समझ लिए, घटाव कैसे बनता है ये समझ लिए, गुना कैसे बनता है ये समझ लिए, तो कैसे फिर समझा दे, तो मान लीजिए जोड़ जोड़ते हैं, तो 12 + 2 है, तो 12 × 2 = 14, और ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आए 8, यहाँ पर है 6, तो ये हो गया 8 × 4 = 12, ये हो गया 12, ये 14 है, ये यहाँ पर आ गया घटा, तो ये 14 है, ये -7 है, तो यहाँ पर 14 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पर 7 आएगा, 10 में से 4 जाएगा, 10 − 4, तो 10 में से 4 जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, यह हुआ गुना। गुना है 15 × 5, इसको गुना करेंगे, या 15 के 12 5 वाला पढ़िए, या 5 के 12 15 वाले पढ़िए, बराबर आंसर तो नहीं आएगा, तो ये हो गया 15 × 5 = 75, ये 7 × 5 हो गया 75, ये है गुना। फिर 4 × 6, 4 के 12 6 वाला पढ़िए या 6 के 12 4 वाला पढ़िए, तो आंसर आपका आ जाएगा, तो 6 × 6 = 24, ये हो गया आपका 24, आपका क्वेश्चन रेडी। तो जोड़ कैसे बनाते हैं, और घटाव कैसे बनाते हैं, और गुणा कैसे बनाते हैं, आपका तीनों क्लियर? अगर ये तीनों क्लियर आपका हो गया तो समझ लीजिए कि आप छोटे बच्चे कोई लेन देन में दिक्कत नहीं होगा।
क्योंकि इसी का काम पड़ता है कोई चीज का हिसाब करने, या जोड़ के पड़ेगा या घटाव के पड़ेगा या गुणा के पड़ेगा। अगर ये तीनों समझ लिए तो मान लीजिए हर चीज का अपना हिसाब किताब कर सकता है। और आगे बहुत भारी सारी चीज है, भाग भी है, बाटा के भी सब जोड़ घटाव गुणा भाग आता है। तो फिलहाल में इतना छोटे बच्चे के लिए ये जरूरी चीज है, तो इतना समझ लिए तो आप छोटे बच्चे के लिए कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं होगी। अब इतना में अपना किसी चीज का हिसाब कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ जाए तब, नहीं समझेगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए इतना हम समझा दिए कि छोटे बच्चे समझ जाएंगे, और समझ गए भी हैं, और इसका अपना उपयोग करिए, जोड़ का घटाव का गुणा करिएगा उतना अच्छा रहेगा। और यहीं पर आप देखते रहिए कौन सा अंक कैसे बना है, कौन सा अंक कैसे बना है, और तय कर अपना समझ सकते हैं। तो क्लियर हो गया, चलिए क्लियर हो गया। और छोटे बच्चे के लिए जरूर पढ़ाए, जरूर समझाए, और छोटे बच्चे के लिए बहुत जरूरी चीज है ये। तो अब ये पढ़ाई अब यहाँ पर समाप्त करते हैं, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।